हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का हिसाब भी कयामत के दिन अलग से हो, जैसे उन लोगों का होता है जो मेरी वीडियोस लाइक नहीं करते। खैर, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे बीट मेकिंग के अबाउट, और बात करेंगे ए टू एट्स के अबाउट, और कुछ साउंड इफेक्ट्स हम लोग ऐड करेंगे अपने गाने के अंदर। हम लोगों ने गाने का म्यूज़िक अरेंज किया था लास्ट वीडियो के अंदर। आज हम बीट मेकिंग का सारा प्रोसेस जानेंगे कि किस तरह से बीट मेकिंग बेसिकली होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोज के अंदर मिक्सिंग की तरफ चलेंगे, वोकल्स को मिक्स करेंगे और पूरे ट्रैक को मिक्स करेंगे, और उसके बाद हम इस गाने को मास्टर करके अपलोड करेंगे। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो मेरा नाम हसन शेख है, मैं एक ऑडियो इंजीनियर म्यूजिक प्रोड्यूसर हूं, और इस चैनल पर मोस्टली ऑडियो इंजीनियरिंग और म्यूजिक प्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। ये मेरा ऑफिशियल चैनल है, यहां पर मैं अपने गाने भी अपलोड करता हूं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मैं मोस्टली एक्टिव रहता हूं, और मैं इंस्टाग्राम पर बहुत जल्दी एक स्टोरी लगाने वाला हूं जिसके अंदर मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप मुझे अपने गाने भेजो और मैं उन गानों का लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर रिव्यू करूंगा। तो अगर आप लोग उस स्ट्रीमिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, और उसी के साथ साथ मैं Q&A वगैरह भी करता रहता हूँ इंस्टाग्राम पे। वहाँ पर मुझे जो भी मेरे फॉलोवर्स रिक्वेस्ट करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि उन टॉपिक्स पे वीडियोज बनाऊँ। तो खैर, आज का टॉपिक है बीट मेकिंग। जो गाना अभी तक हमने अरेंज किया है, आज हम उसकी बीट अरेंज करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई, अब चलते हैं क्यूबेस के अंदर और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, अच्छा जी, तो ये हमारे पास ट्रैक है जो कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो तक अरेंज कर दिया था। मैं कुछ सुना देता हूँ आपको जो हमने अरेंज किया था। हम यहाँ से यहाँ तक सुन लेते हैं इसको, और उसके बाद हम आज बीट पे काम करते हैं। लम्हे मेरे कटते नहीं, बादल ये काले सारे छटते नहीं। तो ये गाना है जिस पर हम वर्क कर रहे हैं। मैंने बेसिकली इस गाने के वोकल्स कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन ये जो वोकल अभी आपने सुना है ये मेरा डमी वोकल है। जब मैंने गाना अरेंज किया था, जब लिखा था जिस वीडियो के अंदर, ये मैंने तब रिकॉर्ड किए थे। तो जो वोकल्स मैंने फाइनल कर लिए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सुनेंगे। आज का बेसिकली जो टॉपिक है वो है बीट मेकिंग। यहाँ पे मैंने हाई हैट्स अरेंज करे हुए हैं, लेकिन मैं बीट मेकिंग से पहले कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि कुछ साउंड इफेक्ट्स। मैं चाहता हूँ कि इस गाने के अंदर कुछ अपलिफ्टर, डाउनलिफ्टर वगैरह के इफेक्ट्स ऐड हो जाएँ, ताकि गाने के अंदर और थोड़ी सी डायनामिक्स हो जाएँ। अपलिफ्टर हम कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास लाइब्रेरी है साइमेटिक्स की, यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिवर्स। रिवर्स करके अगर आपके पास कोई सैंपल्स हैं तो आप उन्हें यूज़ कर सकते हो। हमारे पास यहाँ पर क्या क्या है, तो ये सारे रिवर्स सैंपल्स हैं। इनमें से हम कोई एक चूज़ करेंगे जो हमें अच्छा लगेगा। ये सैंपल मुझे सही लग रहा है, इसको मैं यहाँ पे सिंपली ड्रैग कर लूँगा। मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से एक साउंड इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। अभी आप देख सकते हो कि इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, इसको पूरे एक बार पर होना चाहिए 4 to 5 तक, लेकिन अभी इसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है तो हम इसको यहाँ पर पहले ले आएंगे, ठीक है। और उसके बाद, क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये जो साउंड इफ़ेक्ट्स है इसके अंदर, ये बाद में नीचे जा रहा है और मुझे इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, ठीक है। तो सिंपल मैं इसको एंड से कट कर लूँगा थोड़ा सा। इसको सोलो करके सुनते हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि अब यहाँ से कट कर दिया है मैंने, और इसको मैं यहाँ से इसकी टेल काट दूंगा, तो अब आप देख सकते हो कि ये पूरे एक बार पे आ गया है। उसके बाद मैं कंट्रोल डी करके इसको आगे प्लेस करूँगा, और फिर मैं जाऊँगा अपने ऑडियो के अंदर, और ऑडियो के अंदर प्रोसेसेस के अंदर, और प्रोसेसेस के अंदर रिवर्स कर दूंगा इसको। तो जब ये रिवर्स हो जाएगा तो अब ये एक पूरा साउंड इफ़ेक्ट्स क्रिएट हो गया है, आप सुन सकते हो उसको। सिंपल, तो इस तरह से बहुत सारे इफ़ेक्ट्स आप क्रिएट कर सकते हो। बॉलीवुड के बहुत सारे गानों के अंदर इस तरह की क्रैश होती है जो रिवर्स होती है, और उससे डायनामिक्स ऐड हो जाती हैं आपके गाने के अंदर। इसके साथ अब हम अपना गाना सुनते हैं। लम्हे मेरे कटते नहीं, बादल ये काले सारे छटते नहीं, आँखों में मेरी बस है तेरी कमी, यादें हंसी के बस हटती नहीं, कर दे
ओके तो यहाँ पर हमने अपना पहला साउंड इफेक्ट्स ऐड कर लिया है। मैं चाह रहा हूँ एक और यहाँ पे साउंड इफेक्ट्स ऐड किया जाए। तो एक और साउंड इफेक्ट्स ऐड करने के लिए मैं चाह रहा हूँ कि वो जो साउंड इफेक्ट्स हो वो बेसिकली एक टोन के अंदर हो, वो जो हमारा सुर चल रहा है उस सुर के अंदर हो। तो यहाँ पर मेरे पास आप देख सकते हो और भी साउंड इफेक्ट्स हैं, रिवर्स इफेक्ट्स हैं, और उनके आगे नोट्स लिखे हुए, जैसे जी का है, ए का है, सी है, डी है। तो हम ये डी ले लेते हैं, लेकिन हमारा जो गाना है वो सी शार्प पर है, दैट मीन्स हाफ नोट नीचे है। सिंपल, मैंने इसको यहाँ पर रैक कर लिया है और पहले मैं इसको स्ट्रेच कर लेता हूँ ताकि ये पूरा बार कवर कर ले। ठीक है, तो मैंने इसको स्ट्रेच कर लिया है, स्ट्रेच हमने लास्ट वीडियो के अंदर समझा भी था। और इसके बाद मैं इसको ट्रांसपोज कर लूँगा, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर एक ऑप्शन है ट्रांसपोज का, मैं इसको -1 कर दूँगा क्योंकि हाफ नोट नीचे, क्योंकि ये अभी डी पर है, तो अगर मैं हाफ नोट नीचे करूँगा तो ये सी शार्प पर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको आगे प्लेस कर दूँगा और वापस इसको जैसे मैंने पिछला नोट रिवर्स किया था, मैंने इसको रिवर्स कर लिया है। और उसके बाद मैं इसकी वेलोसिटी कम कर लूँगा, इसको -10 रख देते हैं और यहाँ से इसको -12 रख देते हैं। अब ज़रा सुनते हैं कि कैसा लग रहा है। लम्हे मेरे कटते नहीं, बादल ये काले सारे छटते नहीं, आँखों में मेरी बस है तेरी कमी, ओके तो अब ये हमारे पास यहाँ पे साउंड इफेक्ट्स ऐड हो गए हैं। हमने रिवर्स इसका एक अपलिफ्टर और डाउनलिफ्टर इसको मर्ज करके एक पूरा इफेक्ट बना लिया, एक साउंड इफेक्ट्स ऐड कर लिया है। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गई होगी कि किस तरह से मैंने ये इफेक्ट क्रिएट किया है। डाउनलिफ्टर और अपलिफ्टर ये दोनों एक ट्रम होती हैं, ठीक है, आप वो सर्च भी कर सकते हो, पूरा आपको पूरी फाइल भी इस तरह की मिल जाएगी। लेकिन जब आप एक प्रॉपर इफेक्ट से ख़ुद बनाते हो उसको, तो ये जो इसकी एक तरह से डायनामिक्स होती हैं वो आप ख़ुद कंट्रोल कर सकते हो। तो इस वजह से मैंने इसे ख़ुद क्रिएट किया है। अब हम चलते हैं अपनी बीट की तरफ, और सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि एक फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर मैं इसका नाम दे देता हूँ बीट, ठीक है। और उस बीट के अंदर हम अपने हाई हैट्स को ले जाते हैं, जो हाई हैट्स हमने क्रिएट किए हुए थे, और ये जो हाई हैट्स थे मैंने सैम्पलर ट्रैक के थ्रू क्रिएट किए थे, ठीक है। और यहाँ पर ये हैं मेरे पास हाई हैट, मैं अब चाह रहा हूँ कि अपने हाई हैट्स थोड़े से चेंज कर लूँ, तो मैं सिंपल यहाँ पर लिखूंगा हाई हैट। ओके तो मैंने यहाँ पर दूसरा हाई हैट ले लिया, इसको ज़रा सुन के देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। फोकस बंद कर दिया मैंने, और ज़रा इसको हम ओपन करते हैं। ये मैंने पैटर्न क्रिएट किया था अपने हाई हैट्स का, इनकी मैं थोड़ी सी वेलोसिटी बढ़ा देता हूँ अब, ठीक है, मैं इनको रख देता हूँ 75, और उसके बाद इनको मैं और हाफ कर लेता हूँ, ठीक है, और इन्हें और दबा के आगे प्लेस कर लेता हूँ, और अपने दूसरे वाले की वेलोसिटी कम कर लेता हूँ, इसको हम 50 रख लेते हैं। अब ये कुछ इस तरह से सुनाई देगा, देख रहे हो कि एक ऊपर प्ले हो रहा है और एक नीचे प्ले हो रहा है। बादल ये काले सारे छटते नहीं, आंखों में मेरी बस है तेरी कमी, के बस अटती नहीं। यहां से हमारी पूरी बीट स्टार्ट हो जाएगी और उसी के साथ साथ ए टू एट्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी हम ये वाला पोर्शन अपना सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और हाई हैट हमारे पास ऐड हो गए हैं, ठीक है। हम एक और सैम्पलर ट्रैक यहां पर बनाते हैं, ऐड सैम्पलर ट्रैक, और इसका मैं नाम दे देता हूं किक। ओके, इसका मैंने किक नाम दे दिया, और अब हम यहां से किक सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमें किस तरह की किक चाहिए। कि मेरे पास एक किक है, एक ये किक ले लेते हैं हम, सी शार्प के नोट पर है ये। और इसको अब सिंपल मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक पैटर्न बना लेते हैं, और यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ अपनी किक,
मेरे पास किक है, इसकी वेलोसिटी हम 100 रख देते हैं। ठीक है, आप सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर एक बीट बनाया करो, जैसे कि इसको मैं ज़रा प्ले करता हूँ कि मुझे किस तरह की बीट चाहिए। इस तरह की बीट चाहिए मुझे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले अपनी किक अलाइन कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पे दो दफ़ा किक आएगी। ठीक है, सिंपल मैं यहाँ पर फर्स्ट में प्लेस कर देता हूँ, सुन के देखते हैं ट्रैक के साथ। एक किक यहाँ पर आएगी, ओके सेकंड वाले के अंदर हम डबल कर देंगे कि ओके ये हमने डबल कर दी। और इसी पैटर्न को मैंने आगे भी ड्रॉ कर लिया है। अब हम जल्दी से अपने स्नेयर्स ऐड कर लेते हैं। सिंपल मैं यहाँ पे एक सैम्पल ट्रैक बनाऊंगा और यहाँ पर ऐड कर दूंगा स्नेयर। और अब हम सर्च कर लेते हैं स्नेयर्स, हम ये यूज़ करके देखते हैं पहले कि ये कैसी लग रही है। और सिंपल हम यहाँ पर एक और पैटर्न बना लेते हैं। ये रहा हमारा स्नेयर, एक यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी मैं कर देता हूँ तकरीबन कोई 100। ठीक है, और उसके बाद एक आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये इस तरह से स्नेयर चलेगी हमारे गाने के अंदर। इनको मैं आगे भी प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, इसका थोड़ा सा वॉल्यूम मैं कम कर लेता हूँ। अब ज़रा सुनते हैं कि बीट कैसी लग रही है हमारी। ऑलमोस्ट बीट हमारी थोड़ी सी अरेंज हो गई है। अब मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी डायनामिक्स ऐड हो जाए हमारी बीट के अंदर, जैसे कि हमारा हाई हैट है, हाई हैट के अंदर थोड़ी सी डायनामिक्स ऐड कर लेते हैं। जैसे कि हाई हैट सिंपल चल रहा है, उसके अंदर थोड़े से रोल्स और फिल्स ऐड कर लेते हैं। ये वो पोर्शन है जहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं। ये है 1/64 हुआ हुआ है, और इसको मैं आगे ले जाता हूँ और यहाँ पर मैं, अब ज़रा सुनते हैं। और यही चीज़ हम यहाँ पे भी ऐड कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने हाई हैट्स यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, मैं आपको सुनाता हूँ। आई थिंक बीट बहुत ज़्यादा ऊपर आ रही है, इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। इसको हम ले जाते हैं -4 पर। अच्छा, जो फिल्स हमने यहाँ पर ऐड करे हैं उनकी वेलोसिटी मैं थोड़ी कम कर लेता हूँ, क्योंकि वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है उनकी। तो हम इनको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 30 कर लेते हैं। ओके, तो आई होप थोड़ी सी हमारी बीट अब बेहतर हो गई है, और जब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे तब ये थोड़ा सा और अच्छा साउंड करेगी। अब हम चलते हैं अपने 808s की तरफ, और 808s हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। 808s के लिए मैं हेलियन ले लेता हूँ। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं बेस, और चेक करते हैं कि हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर। ये चीज़ ये चाहिए हमें।
ठीक है, तो अब हम चलते हैं यहाँ पर जहाँ से हमारी बीट स्टार्ट हो रही है, हमने वहाँ पर एक पैटर्न ड्रॉ करना है। और उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैंने हेलियन, ये जो पहले मैंने बेस बनाई थी, ठीक है, इस वाले पैटर्न को मैं नीचे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा और इसका नाम दे दूँगा 8x8, ठीक है। और इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं और यहाँ पर इसका पैटर्न मैं ड्रॉ कर लेता हूँ कि जिस तरह का मुझे पैटर्न बेसिकली चाहिए। इनकी जो वेलोसिटी है वो 80 हुई हुई है और इससे मैं ले जाता हूँ 1/8 पर। तो यहाँ पर मैंने सी शार्प का नोट ड्रॉ कर लिया है। इसको और छोटा कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। अब ज़रा सुनते हैं कि ये कैसा साउंड कर रहा है। ओके, तो ये पैटर्न मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। इसको हम आगे सिंपल पकड़ के आगे ले जाते हैं और इसे हम बी पे ले जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद ए एंड देन बी। तो ये कुछ पैटर्न इस तरह से साउंड करेगा। इसका आई थिंक वॉल्यूम मैं थोड़ा सा कम कर लूँ, बहुत ज़्यादा ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने अपने 8x8 भी अरेंज कर लिए हैं। ओके, तो अब हमारा ये हो गया है वर्स वाला पोर्शन। ये हमारा कोरस आ गया है जहाँ से बीट स्टार्ट हो रही है, उसके बाद एक सोलो का पार्ट आ गया और उसके बाद सेकंड वर्स एंड देन वापस कोरस। तो अब ज़रा सुन लेते हैं हम अपने वोकल्स के साथ कि कैसा साउंड कर रहा है। लम्हे मेरे कटते नहीं, बादल ये काले सारे छटते नहीं, आँखों में मेरी बस है तेरी कमी, यादें ऐसी के बस हटती नहीं, कर ले दुआ मेरे लिए भी आप सजा। ओके, तो अब ये थोड़ा सा बेहतर साउंड कर रहा है। हमने बीट भी अरेंज कर ली है अपने गाने की, 808s भी ऐड कर लिए हैं, साउंड इफेक्ट्स भी ऐड कर लिए अपने गाने के अंदर और अब गाने के अंदर एक जान आ गई है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस गाने को प्रॉपर मिक्स करेंगे, इसको इक्वलाइज करेंगे, इसकी टोनैलिटी, इसका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको वोकल्स भी सुनाऊंगा अपने जो मैंने फाइनल वोकल्स रिकॉर्ड किए हैं, उसके बाद हम अपने वोकल्स मिक्स करेंगे, फिर इस गाने को मैस्टरिंग की तरफ लेके जाएंगे। तो ये था सारा सीन बीट मेकिंग का। आई होप आपको इससे थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी, आपको पता चला होगा कि किस तरह से आप बीट अरेंज कर सकते हो, किस तरह से आप 808s अरेंज कर सकते हो, किस तरह से आप साउंड इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो अपने गाने के अंदर, उसके अंदर डायनामिक्स क्रिएट करने के लिए। अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब भी कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दो और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं और हम इसकी मिक्सिंग करेंगे, इसके अंदर थोड़ी सी क्लैरिटी ऐड करेंगे। मैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हसन शेख साइनिंग ऑफ, पीस। कभी अब ढूंढूं।